बँक ऑफ बडोदा यांच्या वतीने समूह असे समृद्धी या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटाकरिता 3,11,00,000 धनादेश झोनल हेड ऑफिसर पुणे मिनी टीएम यांच्या हस्ते सोलापूर येथील IMA हॉल डफरीन चौक येथे देण्यात आला. यावेळी राकेश कुमार, DGM तेज प्रकाश, रिजनल हेड सोलापूर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून सयाजीराव गायकवाड यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन निहारिका मॅडम यांनी केले. तसेच आलेल्या मान्यवरांचा सत्कार सोलापूर ब्रांचच्या वतीने करण्यात आला. बँकेचे व आपले नाते ऋणानुबंध आहे, आपल्यामुळे बँक ही चालत असते, असे यावेळी तेजप्रकाश तुळशियान यांनी आपल्या मनोगतातून व्यक्त केले. आपने कर्ज लिया है, वास्तव में लिया है, अपनी जरूरत के लिए लिया है, लेकिन ब्याज सहित आपको समय पे चुकाना है. इससे दोनों की प्रगति होगी, बैंक की भी प्रगति होती है, अपने समाज की, आपकी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की प्रगति होती है. इस अवसर पे मैं और भी दो चार बातें बोलना चाहूंगा. बैंक ऑफ बड़ौदा में सभी तरह के ऋण उपलब्ध है. आप लोगों को मालूम होगा, अगर हम कृषि ऋण से संबंधित बात करें, खेती से, तो हम KCC देते हैं, जो ग्रामीण भाषा में किसान कार्ड होता है. उसके बाद में ट्रैक्टर लोन लेना है, स्वयं सहायता समूह आपको लोन देते हैं. इसके बाद में खेती बाड़ी में और भी कोई उपकरण आपको लगता हो उसके लिए लोन देते हैं, ड्रिप इरीगेशन के लिए देते हैं. जो भी काम, जेन्युइन काम खेती की आवश्यकता के लिए लगता है, सभी प्रकार के ऋण उत्पाद हमारे पास है. दूसरा फिर सेक्टर आता है रिटेल लोन. किसी को घर बनाना है, उसके लिए ऋण दिया जाता है. आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में, तो एजुकेशन लोन दिया जाता है. आपको व्यक्तिगत खर्च के लिए पर्सनल लोन की आवश्यकता है, वो दिया जाता है. आपको कोई व्हीकल लेना है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर वो लेना है, उसके लिए ऋण दिया जाता है. इसके बाद में अगर हम MSME की बात करें, तो कोई भी छोटे से छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में हर तरह के ऋण की उपलब्धि है. तसेच यावेळी TM मिनी मॅडम व राकेश कुमार यांनी बँक ऑफ बडोदा बँकेविषयी माहिती दिली. का एम्पावरमेंट होता है, उस सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए कोई चिंता नहीं करना है. वो भारत में नारी शक्ति को इतना प्राधान्य दिया हुआ है. बैंक ऑफ बड़ौदा भी उस तरह से डिफरेंट नहीं है. इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप विथ मोर प्रिडोमिनेंस ऑफ लेडीज, नारी से जुड़ा हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक ऑफ बड़ौदा से बहुत बहुत फैसिलिटीज हैं. और आज हमारा पहला दिन है, हम एक 45 डेज का कैंपेन आज से शुरू हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप की लोन देने के लिए और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए. बैंक ऑफ बड़ौदा से यह निवेदन है, आप सभी इस सुविधा की यूटिलाइजेशन कीजिए, अच्छी तरह यूटिलाइज कीजिए और पूरी रूप से नारी शक्तिकरण हो पाए. आप सभी शक्त होने पर आपका बच्चों भी शक्त होगा, आपका फिनेंशियल एम्पावरमेंट होने से आपका लड़की का एजुकेशनल एम्पावरमेंट भी होता है और सभी समूह ऊपर जाता है, अच्छी तरह से एम्पावरमेंट होता है सभी सोसाइटी. सो इन दिस वे लेट्स ऑल ट्राई टुगेदर टू मेक ए न्यू इंडिया, नारी शक्त इंडिया. ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी ए पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट. बैंक ऑफ बड़ौदा इज ऑलवेज देयर विद यू. हम सभी कर रहे हो, कुछ भी होता है तो 2,00,000 आपके जो है सिक्योरिटी तौर पर मिलता है आपके, वो आपके लाइफ को कवर करता है, वो आप जरूर लें. अपने बच्चियों का आप अकाउंट जरूर खुलवाएं. सुकन्या समृद्धि योजना है, सरकारी योजना है, बहुत ही अच्छा योजना है. मैं निवेदन करता हूँ, दो हाथ जोर से विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चियों का, जिनका उम्र 18 वर्ष से नीचे है, उनका आप अकाउंट खुलवाएं. फिर देखिए इसका लाभ क्या मिलता है आपको. जो आपके घर के लोग जो खेतों में काम कर रहे हैं,
जो हमारे सरकारी लोग जो खेतों में काम करते हैं उनके लिए अटल पेंशन योजना है। आज आप 5,000 यदि महीना जमा करते हैं, आप 10,000 तक जमा कर सकते हैं, उसमें तो आप 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगा 5,000 निश्चित रूप से। ऐसी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसका जरूर लाभ उठाए। और जिस ढंग से आप लोग प्रगति कर रही हैं, और जैसे कि निहारिका मैडम ने अभी कहा महिला सशक्तिकरण, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जितना बचत करने की आदत आप लोगों में है, एक एक पैसे को बचत करने का आदत, आई थिंक हमारे पुरुष वर्ग में इतना ज़्यादा नहीं है। तभी तो आप देखो बैंक से पैसा लेती हो और समय पर चुकतान भी कर देती हो, और आप लोग जो है गृह लक्ष्मी कहलाती हो। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, जब मुझे पैसे की जरूरत होती है महीने के अंत में तो अपने मिसेज से पूछता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो मुझे दे दो, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मुझे दे देती है। मतलब ये आप लोगों का ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है कि आप लोग बहुत सही हिफाजत के साथ खर्च करते हैं, आने वाले दिनों के लिए आप लोग बचा कर रखते हैं। कभी ये महिला बचत कर, नाम भी दिया हुआ है महिला बचत कर। आज आसमानों के ऊंचाई तक छू रहा है पूरे देश में। हर बैंक चाहता है कि हम अधिक से अधिक महिला बचत गट को वित्त पोषित करें। यावेळी प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर लोनच्या स्वरूपात देण्यात आले। यावेळी महिला बचत गटाच्या महिलांनी आलेल्या महिलांना मार्गदर्शन केले। जसे की आपण बघता महिलांना खूप काहीतरी करण्याची इच्छा असते की आपण घरी नाही बसून राहू, घरी बसून काहीतरी व्यवसाय करायचा, मग काय करायचं तर बचत गटातून बचत होते, पण त्याच्यासाठी व्यवसाय करायला एवढे पैसे पुरेसे नसतात। मग आपण काय करतो, बँकेशी जोडले जातो। आमची बँक बडोदा बँकेत आम्ही आमच्या महिलांचे खाते ओपन केले स्वयंसहायता समूहाचे, आणि त्यातून मग आम्हाला कर्ज मिळालं। बँकेने खूप छान प्रकारे आम्हाला सहाय्य केलं, जेणेकरून की आम्ही ते कर्ज घेतलं आणि महिलांनी गावामध्ये व्यवसाय सुरू केले। त्यांच्या प्रत्येक महिलांनी वेगवेगळे व्यवसाय सुरू केले आणि त्यांच्या व्यवसायांना पुढे चालना मिळाली ते बँकेचे कर्ज घेऊन, आणि आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मदत होते बँकेतून प्रत्येक गोष्टीला। महिलांचे खाते, गटाचे खाते ओपनिंग असेल, नंतर विमा उतरला असेल, खूप छान प्रकारे आम्हाला बँक सहाय्य करते आणि इथून पुढेही असं सहाय्य करत राहावं अशी मी विनंती करते। आणि माझ्या असं व्यवसाय न करता या कार्यक्रम प्रसंगी समीर जठार, अजित रणदिवे, गौरव माथुर, सुरेश मनोरे आदींची उपस्थिती होती। यावेळी सोलापूर शहर जिल्ह्यातील महिला बचत गटाच्या महिला बहुसंख्येने उपस्थित होत्या। या कार्यक्रमाचे आभार प्राची ठमके यांनी मानले।